हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नलिज्म गाइड पर। और आज की इस वीडियो में बात होगी ट्राई के नए रेगुलेशन को लेकर। आपको मालूम है कि एनटीओ 2.0 हमारे बीच लागू होने ही जा रहा था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में ब्रॉडकास्टर जो थे उन्होंने केस दायर कर दिया था ट्राई के खिलाफ। वे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ट्राई का नया रेगुलेशन किसी भी तरीके से लागू हो, लेकिन फाइनली जो है अच्छी खबर आ चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में जो ब्रॉडकास्टर्स ने केस दायर किया हुआ था उसमें कहीं ना कहीं ट्राई की जीत हो गई है। अभी हाल ही में हमारे भी जो खबर आई है उसमें यही बताया गया है कि करीबन 6 हफ्ते का जो समय है वो ब्रॉडकास्टर्स को दिया गया है कि ट्राई के अनुसार वो जो है पैचअप कर सकता है, किस तरीके से उनको पैकेजेस का जो है मॉडिफिकेशन करना है। आपको बताना चाहूंगा कि इसका हमें फायदा क्या मिलेगा और ये भी बताना चाहूंगा कि इस नए नियम के आने के बाद से नुकसान क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में ही बात करने वाले हैं। तो चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियोस के आगे भी सबसे पहले जरूर मिलते रहे। देखिए एनटीओ 2.0 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि न्यू टैरिफ ऑर्डर 2.0। पहले जो हमारे बीच लागू हुआ था उसका नाम था एनटीओ 1.0, यानी कि सबसे पहला टैरिफ ऑर्डर जो कि डीटीएच और केबल टीवी के लिए लागू किया गया था। उस दौरान ये कहा गया था कि आपको जो है 153 रुपीज में करीबन 100 फ्री टू एयर चैनल्स दिखाने का प्रावधान है, यानी कि अगर कोई ग्राहक 153 रुपीज का डीटीएच या केबल टीवी में रिचार्ज करवाता है तो उसे सिर्फ 100 ही चैनल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर वो कोई भी चैनल ऊपर से लेता है तो उसके अलग से जो चार्जेस हैं वो आपको लगेगा, या फिर पहले जो था 25 चैनल्स के ऊपर आपको एक्स्ट्रा जो था वो एनसीएफ पे करना पड़ता था। तो वो जो नियम है वो हटाते हुए यहाँ पर जो है अब एक एनटीओ 2.0 को लागू किया गया। और इसमें ट्राई ने ये कह दिया है कि काफी जो लोग हैं वो चैनल्स को देखना चाहते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, तो इसीलिए अब आपको 153 रुपीज में 100 की जगह 200 चैनल्स देखने को दिए जाएंगे। और इसके अलावा डीडी के दूरदर्शन के जितने भी चैनल्स होंगे वो आपको अलग से और भी दिए जाएंगे, यानी करीबन कह लीजिए तो 226 या 227 के आसपास आपको 153 रुपीज में चैनल्स देखने को दिए जाएंगे। अब ये नियम जब से लागू हुआ तब से डीटीएच ऑपरेटर्स ने तो या फिर केबल टीवी ऑपरेटर्स ने तो फॉलो कर लिया, क्योंकि उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि भारत सरकार के नियम है। लेकिन जो ब्रॉडकास्टर्स थे वो यहाँ पर इनके खिलाफ थे, उनका कहना था कि ये जो नियम है वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। क्यों? इसकी बड़ी वजह यह है कि ट्राई ने इस एनटीओ 2.0 में ये भी बात रखी है कि जिस चैनल की कीमत 19 रुपए है उसको घटाकर 12 रुपए प्रति महीना करना पड़ेगा, और अगर वो चैनल की कीमत 12 रुपए प्रति महीना है या हो जाती है तो वो चैनल ब्रॉडकास्टर के बुके का हिस्सा नहीं रह सकता है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स बौखलाए हुए हैं, उनको लगता है कि अगर हम अपने चैनल की कीमत को डाउन कर देंगे, गिरा देंगे, तो हमें कहीं ना कहीं जो है लॉस होना जरूर शुरू हो जाएगा, हम अपने चैनल को कैसे सर्वाइव कर सकेंगे। यानी कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टर्स नहीं चाहते हैं कि कस्टमर को जो है उनका फायदा मिले। अब मान लीजिए स्टार स्पोर्ट्स वन हिंदी आप लगाना चाहते हैं सिंगल चैनल के रूप में, उसकी कीमत है 19 रुपए, और जब वो टैक्स के साथ लगता है 18% जीएसटी के साथ हमारे बीच आता है तो करीबन 22 रुपए 42 पैसे के आसपास हमें मिलता है। अब ये जो कीमत है वो आपकी घट जाएगी 12 रुपए प्रति महीने में, तो जीएसटी लगाकर अगर हम बात करें तो 14 रुपए या 15 रुपए के आसपास आपको आसानी से कोई भी 19 रुपए वाला चैनल मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना फर्क जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारी जो वैधता है, जिनकी जो हमारी वैलिडिटी होती है मंथली चार्जेस की, जो भी हमारा डेली डिडक्शन होता है टीवी चैनल देखने के लिए, उसमें भी काफी इजाफा देखने को मिलेगा, यानी 1 से 2 दिनों का जो है हमें कहीं ना कहीं इजाफा भी जरूर देखने को मिलेगा। तो जितने भी चैनल्स अभी 19 रुपए के दाम में चल रहे हैं, चाहे वो हिंदी धारावाहिक का है, मूवी का है, चाहे इंग्लिश चैनल है, स्पोर्ट्स चैनल है, कोई भी चैनल है जिसकी कीमत 19 रुपए है उसको गिराकर 12 रुपए करना होगा। अब यहाँ पर जो है इसमें जो खुश नजर आ रहे हैं ब्रॉडकास्टर्स वो तो एक जी नेटवर्क है, सन नेटवर्क के बारे में भी खबर आई है, टाइम्स ग्रुप के बारे में भी खबर आई है कि इन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है ऐसे नियम को लागू होने में। लेकिन कुछ ब्रॉडकास्टर्स आज भी जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम आया है वो स्टार इंडिया का आया है, वो इससे बिल्कुल नाखुश है क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क इनके पास सबसे बड़ा है, जिससे अच्छी खासी की जो है कह लीजिए अच्छे खासे प्राइज मिल जाते हैं लोगों से, और कि इनकम जो इनका सोर्स सबसे बड़ा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क की है, तो अगर उसकी कीमत को डाउन कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हमें घाटा जरूर देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए जो है 6 हफ्तों के भीतर इन्होंने कहा है कि ब्रॉडकास्टर जो है वो अपने पैकेजेस को मॉडिफिकेशन करने की शुरुआत कर सकते हैं और चैनल का जो दाम है उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है वो यही है, या फिर कह लीजिए सवाल है वो यही है कि अगर चैनल की कीमत मान लीजिए कम कर भी देते हैं तो हमारे भूखे में जो आज हमें स्टार स्पोर्ट चैनल देखने को मिल रहा था या फिर कोई ऐसा चैनल मिल रहा था जिसकी कीमत 19 रुपए है, मान लीजिए सोनी हैप्पी इंडिया पैक की बात कर लेते हैं या स्टार वैल्यू पैक की बात कर लेते हैं या फिर जी फैमिली पैक की भी बात कर लेते हैं, तो उसमें जितने भी हिंदी धारावाहिक के चैनल है या फिर फिल्मों के चैनल है उसमें कहीं ना कहीं ऐसे चैनल भी है जिसकी कीमत 19 रुपए है, जैसे कि सोनी है तो सोनी की कीमत 19 रुपए है, तो वो अगर भूखे से बाहर हो जाएगा तो ऐसे में हमारा कैसे काम चलेगा। तो यही सबसे बड़ी परेशानी है कि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत फायदा भी है अला कार्ड बेसिस पर तो कहीं ना कहीं लॉस भी है ब्रॉडकास्टर भूखे की तरफ अगर हम
नजर देखें। बाकी आपके मन में क्या सवाल चल रहे हैं इसको लेकर, आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है, जो भी आपके मन में सवाल है डाउट है वो भी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं कि ब्रॉडकास्टर को फिर क्या किस प्रकार से इससे समाधान निकालना चाहिए, किस प्रकार से वो बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है ब्रॉडकास्टर जो खुश नहीं है इस फैसले से वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी जो है केस दायर कर सकते हैं ट्राई के खिलाफ कि भाई इस नियम को लागू ना होने दें। तो देखते हैं कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि अभी 6 हफ्ते का टाइम हमें दिया गया और 6 हफ्तों में कुछ भी हो सकता है। 6 हफ्तों में अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट के खिलाफ, उन्होंने जो फैसला सुनाया है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है और लंबा समय जो है खींचा जा सकता है। अगर वो नहीं करते हैं तो देखते हैं कि हमारे क्या सोल्यूशन निकलता है। जो भी हमारे बीच इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो आपके बीच हम अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।